थैंक यू। ताका बंद कर दो बाहर से दरवाजा। ए देखो इधर, द इक्वेशन ऑफ साइड बीसी इज गिवन बाय, देखो बीसी है ना, पॉइंट बी भी पता है और पॉइंट सी भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला से डिस्टेंस। ए मैंने स्लोप मारूंगा अभी तेरे को पहले। दो पॉइंट है ना, जब दो पॉइंट रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, 5 minus 5 1 upon 5 2 minus 5 1, x minus x 1 upon x 2 minus, and this is called as by 2.4, correct? Where b kya hai 2 0, c kya hai 1 6, this is x1, कितना जाएगा आंसर, 5 upon 6 x minus 2 upon minus 1, माइनस एक्स प्लस टू, ये कैसे हो गया, ये जो माइनस वन है ना इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन की वजह से साइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6 into वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस वाई right, this is the required equation of line side, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट, बी वाला, ये वाला पार्ट था ना, बी वाले में क्या लिखा है, एडी निकालना है, एडी निकालने के लिए ए तो है मेरे पास, डी है क्या, पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, और डी क्या बोला है उसने, एडी क्या है, मीडियम, मीडियम मतलब क्या, मीडियम मतलब क्या, हाँ नहीं होता है, मीडियम का मतलब होता है, अ लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से ड्रॉन है उसके अपोजिट साइड पे और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
है ना, तीन वर्ड होता है। एक होता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड उसके बाद होता है एक होता है एंगल बाइसेक्टर। आ रहा हूँ क्यों हो गए अच्छा तू कर ना लॉन्ग टर्म आई कर काय करू काय करू ओके आपको करना चाहिए ना यार म्यूट ऑल। मोबाइल चेंज करो तो बताओ हमको आवाज। दूसरा होता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड में क्या होता है चेंज केलं ना हा त्यामुळे ते बंद झालं कसं करायचं माहिती याच्यात जायचं तो क्या बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर जो होता है लास्ट वाला वो ऐसे दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। ऐसे चार अलग अलग ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखो ये आ गया आंसर। अब देखो मीडियन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा डी। सेगमेंट ए डी इज मीडियन देयरफॉर ऑल डी बिकम्स मिड पॉइंट point of side right by mid point for villa theta kya ho jayega coordinates mid point ko hone kya aayega 2 iska x1 iska y a nahi iska x1 iska x2 so divide by 2 iska y1 इसका y2 डिवाइडेड बाय 2
कितना हो जाएगा ये टू प्लस वन थ्री बाय टू, और ये कितना हो जाएगा सिक्स बाय टू का मतलब एट। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने वो भी लिख सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन, ठीक है। अब देखो डी आ गया, पॉइंट ए है ऑलरेडी आपके पास, ये आ गया आपका x1 y1 और ये आ गया आपका x2 y2, सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ साइड मीडियन, साइड या फिर मीडियन लिखो, मीडियन AD, इसी की जगह पे क्या लिखोगे AD is given by, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे B की जगह पे क्या लिखना है A और C की जगह पे क्या लिखना है D, ए का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या लेना है x1 y1 और d का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको x2 y2, और फिर फॉर्मूले में क्या करेंगे हम लोग करके सॉल्व कर देंगे लोकेट का, समझा। तो पहले इसको कॉपी कर लो और फिर ये ई वाला सॉल्व कर लो,
देखो मेरे पहले अगर किसी ने किया होगा आंसर किया होगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऑफ पीडीएल है ना जो पूछा है नहीं वो आंसर नहीं लिखना है छोटे बच्चे लोग लिखते हैं आप जो चाहिए जो निकाला है वो क्या है आंसर मतलब क्या है वो लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए था ये और भाई ये पॉइंट देख लेना अगर आपने पॉइंट ही गलत पुट कर दिया प्रॉपर
भी फटाफट बातें रहे। लिख लिया क्या? यस सर। जल्दी करो यार, इतना टाइम, एक एक घंटा लग गया एक एग्जाम में। लेकिन अभी इतना टाइम लगता है। येलो येलो डेटी येलो हो गया क्या कर रहा है इसका? कॉलेज यहाँ बैठे क्लास ही पढ़ेगा और कॉलेज पढ़ेगा। चलो ए हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लिखा है। सी वाले पार्ट में बोलता है कि लाइन, वी नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो देखो बीसी का मिड पॉइंट तो ऑलरेडी निकाला हम लोगों ने डी, बस अपने को AB का मिड पॉइंट सेम निकालना है। किसका मिड पॉइंट निकालना है? AB का। हम कर लेंगे E, राइट? D कितना आया है? 3/2 है, 3। अब ये ढूंढना पड़ेगा पहले। Since point E becomes point E is midpoint of side AB by midpoint formula, तो क्या हो जाएगा? देखो AB क्या आएगा? 3 + 2 और दूसरा 4 + 0 कितना आ जाएगा? 5/2 कितना आ जाएगा? 2.4 क्या आ? E का कोऑर्डिनेट कितना आया? 5/2 डन? यस। सो डाउट है इसमें? ए भालू जैसे बाल वाले इंसान, इधर देख ध्यान से, लिख मत। ए देखो जरा, द इक्वेशन ऑफ इसका निकालना अभी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा? DE इज गिवन बाय, राइट? अगेन टू पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? D, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? E। D का कोऑर्डिनेट क्या है?
बी बाय टू कॉमा ई का कोऑर्डिनेट क्या है फाइव बाय टू कॉमा टू राइट है ये आ गया एक्स वन वाई वन और ये आ गया आपके पास सब्स्टिट्यूट करना है ना देखो ये फैसिलिटी बस मेरे पास है आपके पास नहीं है y माइनस y1 राइट y2 कितना है बोलो 2 x माइनस x1 कितना है 3 by 2 x2 माइनस x1 तो 5 by 2 माइनस बराबर है आगे ट्राई करोगे देखो फटाफट जल्दी मैं क्या इतना डरावना दिखो Thank you.
माइनस किया माइनस किया